कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के पनामा पेपर्स वाले बयान पर बवाल मच गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने राहुल गांधी पर मानहानि का दावा ठोका है। न्यायाधीश सुरेश सिंह की कोर्ट में कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से अधिवक्ता शिरीष श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद पेश किया। राहुल गांधी के खिलाफ भोपाल कोर्ट में मामला दायर किया गया है। अधिवक्ता ने सबूत के तौर पर अखबार की कटिंग और न्यूज टीवी का हवाला दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को की जाएगी। न्यायाधीश ने कार्तिकेय को गवाही के लिए 3 नवंबर सुबह 11 बजे का समय दिया है। शिवराज सिंह चौहान साहब के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान और उनकी तरफ से परिवाद पेश किया गया है सुरेश सिंह साहब की अदालत में, और परिवाद का आधार है कल 29 तारीख को राहुल गांधी साहब द्वारा झाबुआ की चुनावी रैली में दिया गया है, जिसमें उनका पनामा पेपर्स में उनका नाम है शिवराज सिंह के बेटे का, और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शिवराज सिंह चौहान साहब से घोटाले का आरोप लगाया, व्यापार का आरोप लगाया। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन नितिन मालवीय के साथ राम पवार की रिपोर्ट।